वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेड हेडिंग के बारे में कि डेड हेडिंग क्या होती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्यों आपको अपने प्लांट्स में डेड हेडिंग करनी चाहिए। तो आज की ये वीडियो में पूरी हम डेड हेडिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर डेड हेडिंग होती क्या है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो मेरा एक पिटूनिया का फ्लावर है और ये आप देख सकते हैं इस पर कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है, और ये एक फ्लावर है जो कि अभी ब्लूम कर रहा है, और ये एक फ्लावर है जो कि अभी स्टार्टिंग है ब्लूमिंग करना, और एक ही इसमें ये फ्लावर है। ये आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर था मेरा ब्लूम करके अब डेड हो चुका है, यानी कि इसका अब इस प्लांट पर कोई काम नहीं। ये क्या काम करेगा, अब आपका जो फ्लावर खिलने के बाद ही आपका सीड्स बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अभी तो आपको सीड्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये तो मार्च का टाइम चल रहा है और अभी जो पिटूनिया है हमारा मार्च अप्रैल तक फ्लावर्स देता है, अगर आपको सीड्स कलेक्ट करने हैं तो आप इसके मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर अभी आप इसको इस फ्लावर को अपने प्लांट पर लगा रहने देंगे और इसको इसकी डेड हेडिंग नहीं करेंगे, इसको नहीं हटाएंगे, तो जो भी आप इसमें फर्टिलाइज़र देंगे, जैसे कि जो भी आप इसमें फर्टिलाइज़र देंगे, तो जो फर्टिलाइज़र है वो आपका प्लांट वो सीड्स बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा, ना कि आपकी फ्लावरिंग में। अगर आपका जो प्लांट है वो सीड्स बनाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा तो आपका जो फ्लावर है, जो आपका प्लांट है, वो अच्छे से ब्लूम नहीं कर पाएगा और ना ही उसकी ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि वो जो अपनी एनर्जी है सारी, वो सभी की सभी एनर्जी अपनी जो सीड्स बनाने में वेस्ट करेगा। तो इसलिए आपकी जो प्लांट है उसमें सभी में जो डेड हेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने प्लांट पर डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं करेगा और फ्लावरिंग भी उसमें कम होगी, क्योंकि वो जो अपनी एनर्जी है वो तो अपनी सारी एनर्जी सीड बनाने में वेस्ट कर रहा है। तो इसलिए कई लोग होते हैं कि हम तो अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र भी देते हैं, ये भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर फिर भी हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता। यह आप देख सकते हैं मेरा जो डेंथस का प्लांट है कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है, और मैं आपको और दिखा देता हूँ ये जो मेरे आप पिटूनिया देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। पूरा जो पोट है वो आपको पोट नीचे से दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये फ्लावर से पूरा ढक चुका है। और ये भी देखिए जो मेरा पिटूनिया है ये भी कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है, और सभी जो मेरे पिटूनिया है ये कितने अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ पिटूनिया ही ब्लूम कर रहे हैं, बाकी आप ये डॉग फ्लावर भी देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। और तो ये मेरे अच्छे ब्लूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं इनकी टाइम टू टाइम डेड हेडिंग करता रहता हूँ। अगर मैं इनकी डेड हेडिंग नहीं करूँगा तो ये जो अपनी एनर्जी है, जो भी मैं इसमें फर्टिलाइज़र देता हूँ, सभी एनर्जी जो अपनी सीड्स बनाने में वेस्ट करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, डेड हेडिंग आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका प्लांट है, ये जो आपका फ्लावर है, ये मर चुका है, इसको आप ऐसे करके हटा दीजिए। बस यही आपकी एक डेड हेडिंग है और ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले इसकी डेड हेडिंग की थी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया था। तो अब इसके आप देख सकते हैं साइड से इसमें नई शूट्स निकलना स्टार्ट हो गई, नई ब्रांचेस। तो यही इसका बेनिफिट है। अगर आप अपने प्लांट की टाइम टू टाइम डेड हेडिंग करते रहेंगे तो जो आपका प्लांट है वो एकदम बुशी रहेगा और उसमें फ्लावरिंग जो है भरपूर फ्लावरिंग होगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी जितने भी आपके ये फ्लावर हैं सभी, आप इसको खिलने से जब ये खिल जाते हैं, कोई भी प्लांट हो, ये आप देख सकते हैं डेंथस, मैंने इसको आपको सिर्फ ऐसे करके इसकी डेड हेडिंग करनी है। तो डेड हेडिंग से आपका जो प्लांट है और ज़्यादा बुशी होगा और काफ़ी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको अपने प्लांट्स में डेड हेडिंग ज़रूर करनी चाहिए, इससे कि आपका प्लांट एकदम से है हेल्दी रहेगा और उसमें फ्लावरिंग भी भरपूर होगी। तो फ्रेंड्स, यही थी फिर आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।